जानने पहचाने वाले करता खींच के लेगा तोड़े कोई भी नहीं थे। 3 बजे रात को आवाज नहीं आई तुम लोगों किसको नहीं? 3 बजे रात कोई आवाज नहीं, हम आते ही 5 बजे 6 बजे तो 3 बजे रात को उठता रहा हूँ। 6 बजे तो उठता ही उठता मैं नमाज को लाओ कर बेचते कैश। इसको हेलो फोन नहीं लगा है खाली आके गए यहाँ तक घर के देखे गए मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, नामपल्ली पर रहता हूँ मैं। आज सुबह में मैं आकर घर पे चेक करा तो पूरा लॉक वगैरह पूरा टूटा था और 4.5 तोले सोना था उसमें, 5 लाख रुपए कैश था, 4,000 रुपये सऊदी रियाल थे। शादी के लिए गोलकुंडे में रह रहे थे हम लोग, घर छोटा है बोलकर। अभी मेरी शादी थी इसीलिए वहाँ पर आज शादी है, फंक्शंस के लिए वहाँ गोलकुंडे में थे हम लोग। 2 दिन पहले लॉक करके गए थे हम लोग घर को, आकर चेक करे सामान रखने आए तो मालूम हुआ कि पूरा टूटा था, तिजोरी वगैरह पूरा टूटा है। 2 दिन से कोई भी ऊपर तो नहीं आए थे, नीचे फंक्शन अटेंड करके नीचे आ रहे थे, फिर मॉर्निंग में वहाँ पर ही आ रहे थे गोलकुंडे को। नीचे का दरवाज़ा पूरा लॉक है और ऊपर के टूटे हुए हैं। पूरा शादी से रिलेटेड कैश था। कंप्लेंट अभी लिखा है जाकर। हमारे घर के बाजू में रहते नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे ये मकान है, ये बच्चे की शादी थी आज। ये लोग का घर छोटा रहने की वजह से गोलकुंडा में ये लोग का और एक मकान है, वहाँ पर जाके ये लोग फंक्शंस कर ले रहे थे, जो भी मंजे सांचक वगैरह डेली रात में लेट नाइट आ रहे हैं, दिन में उठ के चले जा रहे हैं। आज शादी है रात में, अब सुबह में ऊपर गए, अब जाके रात में जाके देखने के बाद ऊपर कुछ टूटे वगैरह डोर टूटे हुआ है, अलमारी टूटी हुई है, चेक करे तो पैसे नहीं है घर में। 5 लाख कैश था कहते हैं लोग का, 4.5 तोले सोना था। उसके बाद ये लोग परेशान हो गए, पुलिस में फ़ौरन कंप्लेंट करे, आके पुलिस वाले चेक करे। ये है, ये सामने मकान में है CCTV और बाजू एक दुकान के पास है, शायद वो पुलिस वाले चेक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।